असलकम लेक्चर नंबर वन में हमने देखे थे टोटल डायरेक्शंस टोटल डायरेक्शंस हमारे पास हैं एट उसके बाद हमने देखे थे एक डायरेक्शन की राइट right टर्न कैसे निकालते हैं एक डायरेक्शन की लेफ़्ट टर्न कैसे निकालते हैं उसके बाद हमने देखे थे क्लाक वाइज एंड एंटी क्लाक वाइज उसके बाद हमने देखी थी वन राइट टर्न किसके बराबर होते हैं वन लेफ़्ट टर्न किसके बराबर होते हैं इसके बाद हमने एक प्रॉब्लम की उसके बाद हमने इन लेक्चर नंबर सेकेंड में हमने डिस्कस किए हैं इन्शल डायरेक्शन गिवन हमें निकालने थे फाइनल डायरेक्शन इसी लेक्चर में हमने फाइनल डायरेक्शन की प्रॉब्लम्स की भी की हमारे पास फाइनल डायरेक्शनज गिवन थे हमें निकालनी थी इन्शल डायरेक्शंस आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर थर्ड हमें करने हैं क्लॉक एंड एंटी क्लाक वाइज प्रॉब्लम तो इस क्लॉक एंड एंटी क्लाक वाइज़ प्रॉब्लम का अप्रोच क्या है फ़र्स्ट हमें देखना है डायरेक्शन इनिशियल डायरेक्शन उसके उसके बाद उसको हमें हाईलाइट करने हैं यहाँ पे हैं नॉर्थ इसको मैंने हाईलाइट किया है उसके बाद मुझे हाईलाइट करने हैं क्लाक वाइज़ एंटी क्लाक वाइज़ नाइन्टी डिग्री या फोर्टी फाइव डिग्री उसको मुझे हाईलाइट करना है यहाँ पे है नाइन्टी डिग्री इन क्लाक वाइज़ डायरेक्शन इसको मैंने हाईलाइट किया है उसके बाद यहाँ पे है फोर्टी फाइव डिग, डिग्री एंटी क्लाक वाइज इसको मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे है वन थर्टी फाइव डिग्री क्लाक वाइज इसको मैंने हाईलाइट किया है इसके बाद हमें क्या करना है इसका हमें सोलूशन फाइंड करना है अमित तो, क्वेश्चन को रीड करूँ अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ मुझे एक डॉटेड लाइन यहाँ से भी डालनी है यहाँ से भी मुझे डॉटेड लाइन मैं एक रेफरेंस फ्रेम बनाऊँ यहाँ पे, ये यह मैंने रेफरेंस फ्रेम लिया ये है मेरे पास ईस्ट यह है मेरे पास वेस्ट यह है मेरे पास नॉर्थ यह है मेरे पास साउथ ए पर्सन इज़ फेसिंग नॉर्थ ये मैं सॉलिड लाइन बनाऊँ यहाँ से नॉर्थ की ओर नॉर्थ की तरह जा रहा है इसके बाद इसने क्या कि फर्स्ट ही टर्नस 90 डिग्री इन क्लाक वाइज़ मुझे यहाँ से 90 डिग्री क्लाक वाइज़ जाना है दैट मीन्स मुझे यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री जाना है यह है यहाँ तक 90 डिग्री में पहुँचा यहाँ पे यह है नाइन्टी डिग्री क्लाक वाइज इसके बाद यहाँ पे इसके बाद मैंने क्या किया देन ही टर्नस 45 फाइव डिग्री इन एंटी क्लाक वाइज अब मुझे एंटी क्लाक वाइज़ जाना है यह है एंटी क्लाक वाइज इसका दैट मीन्स यहाँ तक मैं पहुँचा इसके बाद एंड फाइनली ही टर्नस यहाँ से हमें क्या करना है फ़ाइनली ही टर्नज़ 135 थर्टी फाइव डिग्री इन क्लाक वाइज क्लाक वाइज़ वन थर्टी फाइव मुझे जाना है दैट मीनस ये हमारे पास वन थर्टी फाइव क्लाक वाइज़ नाव इन विच डायरेक्शन ही इज़ फेसिंग नाउ लास्ट में हम यहाँ पर रुके ये कौन सी डायरेक्शन है हमारे पास साउथ साउथ हमारे पास आंसर इस मूवमेंट को कहते हैं क्लॉकवाइज इस मूवमेंट को कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। याद रखना अब मैं यहां पे इस शॉर्टकट इस प्रॉब्लम की देखू यहां पे हमें शॉर्टकट देखना है हमारे पास पहले है इनिशियल डायरेक्शन इनिशियल डायरेक्शन नॉर्थ है इस नॉर्थ को मैं यहां पे हाईलाइट करूं इसके बाद हमें रीड करना है फर्स्ट ही टर्नस 90 डिग्री इन क्लाक 90 डिग्री क्लाक उसके बाद देन ही टर्नस 45 फाइव इन एंटी क्लाक 45 डिग्री एंटी क्लाक फाइनली ही टर्नस 135 डिग्री क्लाक नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज़ फेसिंग नाउ हमें निकालने हैं फाइनल डायरेक्शन यहां पे हमें फाइनल डायरेक्शन निकालनी है पहले हमें याद रखना है जो क्लाक वाइज है यह है पॉजिटिव जो एंटी क्लाक वाइज है यह है नेगेटिव और मैंने आपको ऑलरेडी बोला था वन राइट right टर्न होती हैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज। वाइज वन लेफ्ट टर्न होती हैं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। वाइज तो मैंने आपको यहाँ पे बोला है क्लॉकवाइज वाइज़ मुझे पॉजिटिव लेना है दैट मीन्स यहाँ पे आएगा 90 डिग्री पॉजिटिव पॉजिटिव 90 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज वाइज़ मुझे नेगेटिव लेना है यहाँ पे आएगा माइनस नाइन्टी डिग्री तो इसको हम हाईलाइट करते हैं यहाँ पे यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट किया है सिंपल हमें याद रखना है एक राइट right टर्न होती है प्लस नाइन्टी डिग्री वन लेफ्ट टर्न होते हैं माइनस नाइन्टी डिग्री इसी तरीके से अगर हमारे पास टू राइट टर्न होंगे एक तो नाइन्टी के बराबर सेकेंड नाइन्टी ऐड करना है हमें 180 एटी डिग्री पॉजिटिव दैट मीनस 180 एटी डिग्री पॉजिटिव टू राइट टर्नस होते हैं बराबर 180 ऐटी डिग्री पॉजिटिव तो यहाँ पे इसको हाईलाइट करते हैं अभी और टू लेफ्ट सिमिलरली टू लेफ्ट टर्न होंगे हमारे पास माइनस वन एटी डिग्री तो यहाँ पे इसको भी हाईलाइट करते हैं यहां पे और मैंने आपको कल बोला था टू लेफ्ट टर्न टू राइट टर्न होते हैं बराबर अपोजिट डायरेक्शन ये भी मैंने कल बोला था और फोर लेफ्ट टर्न फोर राइट टर्न होते हैं सेम डायरेक्शन ओरिजिनल डायरेक्शन ये भी मैंने कल सिखाया आपको इसको भी यहाँ पे हाईलाइट करते हैं अब हम क्वेश्चन को देखें पहले इनिशियल डायरेक्शन हमारे पास नॉर्थ थी उसके बाद हमारे पास फाइनल डायरेक्शन जो 90 डिग्री क्लाक वाइज़ उसके बाद 45 फाइव एंटी क्लाक वाइज़ उसके बाद 135 थर्टी फाइव क्लाक वाइज़ मैं यहाँ पर सीधे लिखूँ क्लाक वाइज जहाँ पर है वहाँ पर मुझे लिखना है प्लस नाइन्टी डिग्री यहाँ पर है फोर्टी फाइव एंटी क्लाक वाइज़ मैं इसको लिखूँ माइनस फोटी फाइव यहाँ पर है वन थर्टी फाइव डिग्री क्लाक वाइज मुझे लिखना है वन थर्टी फाइव पॉजिटिव इसके बाद हमें क्या करना है इसके बाद हमें सिंपल ऐड करना है इन तीन नंबर्स का एक है हमारे पास वन थर्टी फाइव दूसरा है हमारे पास प्लस नाइन्टी और तीसरा है हमारे पास माइनस 45 फाइव तो इसका सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं पहले देखते हैं वो है हमारे पास फाइव इसमें से हम निकालते निकालेंगे माइनस फोर्टी फाइव ज़ीरो हमारे पास यहाँ पे आएगा वन वन एट ज़ीरो वन एट ज़ीरो पॉजिटिव दैट मीनस हमारे पास वन एट ज़ीरो आया लेकिन पॉजिटिव अब मुझे क्या करना है पॉजिटिव वन एट ज़ीरो पॉजिटिव वन एट जीरो दैट मीनज वन एट ज़ीरो क्लाक वाइज़ मैंने पॉजिटिव बोला था क्लाक वाइज़ डायरेक्शन क्या थी नॉर्थ उसका हमें निकालना इंशियल डायरेक्शन नॉर्थ थी और हमें निकालनी थी फाइनल डायरेक्शन हमारे पास आई वन एटी क्लाक वाइज़ इसके बाद मुझे यहाँ से वन एटी इसका वन एटी यहाँ से आएगा साउथ आंसर अगर किसी पर्सन की इनिशियल डायरेक्शन होगी साउथ उसके बाद उसने किया 45 फाइव डिग्री क्लाक वाइज़ उसके बाद नाइन्टी डिग्री एंटी क्लाक वाइज़ उसके बाद 45 फाइव डिग्री क्लाक वाइज़ हमें निकालनी है फाइनल डायरेक्शन तो यहाँ पे हमें क्या करना है यहाँ पे हमें हमें इनिशल डायरेक्शन साउथ है और हमें यहाँ पे जो भी क्लाक वाइज़ वहाँ पर हमें प्लस ये हैं प्लस फोर्टी फाइव डिग्री नाइन्टी डिग्री एंटी क्लाक वाइज़ इसको मैं लिखूँ माइनस नाइन्टी डिग्री फोटी फाइव इस क्लाक वाइज़ इस प्लस फोटी फाइव यहाँ पर अब मुझे इनको ऐड करना है फोर्टी फाइव प्लस फोर्टी फाइव माइनस नाइन्टी दैट मीन्स फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव नाइन्टी होगा नाइन्टी नाइन्टी कैंसिल आंसर जीरो दैट मीन्स यहाँ पे जीरो आया जो ऑरिजिनल डायरेक्शन होगी वही हमारे पास फाइनल डायरेक्शन होगी दैट मीन्स आंसर जो इसका होगा वो है साउथ इसके बाद हम और एक प्रॉब्लम देखते हैं अगर हमारे पास इनशल डायरेक्शन होगी नॉर्थ ईस्ट उसके बाद उसने रोटेट किया 90 डिग्री क्लाक वाइज उसके बाद उसने रोटेट किया 180 डिग्री क्लाक एंटी क्लाक वाइज इसके बाद 90 डिग्री क्लाक वाइज हमें देखने हैं फाइनल डायरेक्शन इसका सोलूशन पहले हमें यही लिखना है इनिशियल डायरेक्शन इनिशियल डायरेक्शन हमारे पास नॉर्थ ईस्ट है तो इसके बाद जो यहाँ पे 90 डिग्री क्लाक वाइज़ इसको मुझे लिखना है प्लस नाइन्टी यहाँ पे है वन एटी डिग्री एंटी क्लाक वाइज़ इस यहाँ पे मैं लिखूँ माइनस वन एटी डिग्री यहाँ पे है 90 डिग्री क्लाक वाइज़ इसको मैं लिखूँ प्लस नाइन्टी डिग्री अब मुझे सिंपल ऐड करना है प्लस नाइन्टी क्लाक वाइज़ प्लस नाइन्टी यहाँ पे वन एटी इसका मतलब यहाँ पे भी ज़ीरो आया आंसर जो होगा हमारे पास वो हमारे पास नॉर्थ ईस्ट ही होगा अगर हमारे पास ये प्रॉब्लम होगी हमारे पास इनिशियल डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट हैं उसके बाद 45 फाइव क्लाक वाइज़ नाइन्टी डिग्री एंटी क्लाक वाइज़ फोर्टी फाइव 90 क्लाक वाइज़ नाइन्टी डिग्री क्लाक वाइज़ फोर्टी फाइव क्लाक वाइज फाइनल डायरेक्शन यहाँ पे सीधे हमें लिखना है प्लस फोटी फाइव जहाँ पे क्लाक वाइज वहाँ प्लस यहाँ पे लिखना है माइनस नाइन्टी यहाँ पे लिखना है माइनस फोटी फ़ाइव यहाँ पर है क्लाक वाइज़ यहाँ पर लिखना है प्लस नाइन्टी यहाँ पर है क्लाक वाइज़ हमें लिखना है प्लस फोटी फ़ाइव इसके बाद मुझे क्या करना है सिंपल मुझे सोलूशन इसका एड करना है प्लस फोटी फाइव माइनस नाइन्टी माइनस फोटी फाइव प्लस नाइन्टी प्लस फोटी फाइव डैट मीनज़ फोटी फाइव माइनस प्लस फोर्टी फाइव माइनस फोर्टी फाइव कैंसल प्लस नाइन्टी माइनस नाइन्टी कैंसल वहाँ पे हमारे पास बचा प्लस 45 फाइव प्लस 45 फाइव मैंने ऑलरेडी बोला यह है फोटी फाइव डिग्री क्लाक वाइज़ फोर्टी फाइव डिग्री क्लाक वाइज़ तो ये हमें निकालना है किसकी इनिशियल डायरेक्शन जो हमारे पास हैं वह है, है नॉर्थ ईस्ट दैट मीनस नॉर्थ ईस्ट का हमें 45 फाइव डिग्री निकालना है तो मैं यहाँ से एक रेफरेंस मिल लूँ डॉटेड लाइन यह ईस्ट है वेस्ट है नॉर्थ यह है साउथ पहले हमारे पास है सॉलिड लाइन नॉर्थ ईस्ट ये हमारे पास है नॉर्थ ईस्ट फाइनल इसके बाद मुझे कितना निकालना है फोटी फाइव क्लाक वाइज मुझे फोर्टी फाइव इसका क्लाक वाइज निकालना है यहाँ पे ऐसे ये मूव करेगा यहाँ तक ये फोर्टी फाइव आएगा फोटी फाइव क्लाक वाइज जो ये डायरेक्शन होगी ये हमारे पास ईस्ट होगा इसका जो आंसर होगा वो हैं हमारे पास ईस्ट इसका सोलूशन हम देखते हैं पहले 45 फाइव क्लाक वाइज इसको हमें लिखना है प्लस फोर्टी फाइव फिर नाइन्टी डिग्री एंटी एंटीकोला इसको हमें लिखना है माइनस नाइन्टी डिग्री फिर हैं फोर्टी फाइव इसको लिखना है हमें यहाँ पे माइनस नाइन्टी डिग्री यहाँ पे भी एंटी कुलॉक वाइज यहाँ भी एंटीकुलज़ जहाँ पर क्लाक वाइज़ वाइज वहाँ पे प्लस क्लाक वाइज़ प्लस फोटी फाइव यहाँ पे था प्लस इसका हमें सिंपल यहाँ पे हमारे पास इनका हमें ऐड करना है फोर्टी फाइव प्लस माइनस नाइन्टी माइनस नाइन्टी प्लस नाइन्टी प्लस फोर्टी फाइव प्लस नाइन्टी माइनस नाइन्टी कैंसल प्लस फोर्टी फाइव प्लस फोर्टी फाइव दैट मीनज नाइन्टी यहाँ पे भी नाइन्टी आएगा दैट इज़ जीरो जब जीरो होगा तो हमारे पास आंसर जो होगा वो होगी ओरिजिनल डायरेक्शन दैट इज़ ईस्ट हमारे पास आंसर होगा इस प्रॉब्लम को हम देखें यहाँ पे हैं क्लॉकवाइज वाइज़ नाइन्टी यहाँ पे मैं सीधे लिखूँ प्लस नाइन्टी यहाँ पे हैं क्लॉकवाइज वाइज़ नाइन्टी प्लस नाइन्टी यहाँ पे हैं टू सेवेंटी क्लॉकवाइज वाइज़ माइनस टू सेवेंटी यहाँ पे हैं सेवेंटी क्लाक वाइज़ प्लस सेवेंटी तो इसके बाद हमें क्या करना है टू सेवेंटी में से वहाँ सेवेंटी निकालो वहाँ पे रहा टू हंड्रेड प्लस नाइन्टी प्लस नाइन्टी दैट मीनस ये होगा हमारे पास प्लस वन एटी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किए टू में से वन एटी निकाली वहाँ पे आया हमारे पास माइनस ट्वेंटी हमारे पास रहा हमें पता है माइनस ट्वेंटी जो है ये है ट्वेंटी माइनस होता है एंटी क्लाक वाइज हमें जाना है जो हमारे पास इनशल डायरेक्शन थी इनशल डायरेक्शन जो हमारे पास थी वो थी साउथ ईस्ट तो इसका हमें जाना है ट्वेंटी एंटी क्लाक वाइज हम यहाँ पे इसका फ्रेम बनाएंगे यह ईस्ट यह वेस्ट वेस्ट यह नॉर्थ यह है साउथ ये हमारे पास सॉलिड लाइन साउथ ईस्ट की डायरेक्शन इनशाला डायरेक्शन कोई भी लीजिए साउथ ईस्ट तो इसके बाद हम माइनस ट्वेंटी डिग्री हम हमें जाना है एंटी क्लाक वाइज एंटी क्लाक वाइज़ मैंने ऐसे बोला दैट मीन्स ये ऐसे मूव करेगा दैट मीन्स हम यहाँ पे पहुँचे हैं जो हमारे पास फाइनल डायरेक्शन होगी वो ऐसे कुछ होगा तो ये किस में आता है ये जो फाइनल डायरेक्शन यहाँ पे आती है ये भी आते हैं ईस्ट और साउथ में ईस्ट और साउथ में दैट मीन इसकी भी डायरेक्शन साउथ ईस्ट होगी हमारे पास जो आंसर होगा वो है साउथ ईस्ट अब हम देखते हैं टाइप फोर की प्रॉब्लम कोडिड डायरेक्शन कोडिड डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें इसमें क्या करना है हमें जो भी यहाँ पे साइनज हैं उनको हमें हाईलाइट करना है यहाँ पे है साइन इसको मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे है साइन इसको मैंने हाईलाइट किया और यहाँ पे है साइन इसको मैंने अभी हाईलाइट किया है और इसको भी मैं हाईलाइट करूँ इसका सोलूशन जो होगा तो हमें पहले साइन इसको देखने हैं हमारे पास है एक स्टार की साइन इस पर हमें फोकस करना है और है डॉलर की साइन और है परसेंटेज की साइन ये हमारे पास तीन साइनज़ हैं उसके बाद हमें क्या करना है अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन बनूँ ए हैश बी मीनस बी इज़ थ्री किलोमीटर नॉर्थ ऑफ़ ए हैश का मतलब बी इज़ थ्री किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ए ये लेना है हमें फिर इसके बाद ए स्टार बी मीनस ए इज सिक्स किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी ए परसेंटेज बी मीनस बी इज ट्वेल्व किलोमीटर साउथ ऑफ़ ए फिर इसके बाद पी स्टार क्यू हैश और परसेंटेज टी चक हाउ फॉर एंड इन विच डायरेक्शन टी फ्राम पी इसका अप्रोच कैसे हमें करना है देख लीजिए यहाँ पे जो हमारे पास पी उसके बाद है स्टार क्यों हैश और परसेंटेज टी हमें यहाँ पे इसको ब्रेक करना है पहले हैं ये यहाँ तक फिर हैं हैश फिर हैं परसेंटेज यहाँ तक इसको मैं ब्रेक करके लिखूँ दैट मीन्स पी स्टार क्यों पहले मैंने लिखा है अभी कुछ नहीं लिखना है आगे फिर क्या लिखना है फिर लिखना है क्यों इसके बीच में जो साइन मैंने आपको ऑलरेडी बोला इसीलिए इन पे फोकस के लिए फिर है आर इसके बाद हैं आर परसेंटेज टी तो ये हमें हाईलाइट इसके बाद हमें क्या करना है अब यहां पे ए स्टार बी मीनस बी इज थ्री किलोमीटर ऑफ ए यहां पे पी स्टार स्टार हैं स्टार यहां पे सॉरी स्टार हैं ये लाइन हमें रीड करनी है मीनस इस लाइन को स्टार पे फोकस कीजिए मीनस ए इज सिक्स किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी यहां पे मैं लिख सकता हूं मीनज पी इज सिक्स किलोमीटर ईस्ट ऑफ क्यों पहले मैंने इसको डिकोड किया है इसके बाद क्यों हैश आर हैश कहा पर है यह है इसका मतलब मीनज बी इज थ्री किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ए यहाँ पे हमें लिखना है मीनज सेकंड वाला इसने पहले लिया है और इज थ्री किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ए इसके बाद और परसेंटेज सॉरी यहाँ पे नॉर्थ ऑफ आर नॉर्थ ऑफ क्यू ठीक और परसेंटेज टी परसेंटेज पे फोकस कीजिए मीनस बी इसने पहले लिया है हमें टी लेना है दैट मीनस मीनस टी इज ट्वेल्व किलोमीटर साउथ ऑफ और ये हमने डिकोड किया है बस हो गई प्रॉब्लम अब हमें क्या करना है अब इसका हमें आंसर निकालना है पी इज सिक्स किलोमीटर यहां पे थोड़ा सा मैं डिकोड इसको करूं ताकि आपको ये समझ आ जाए अच्छे से पी इज सिक्स किलोमीटर पी इज़ सिक्स किलोमीटर ऑफ ईस्ट ऑफ क्यू मुझे पी यहाँ पे बनाना है और ये हमारे पास क्यू ये है सिक्स किलोमीटर यह है किलो पी ईस्ट डायरेक्शन तो उसके बाद यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट करूँ अब आर इज़ थ्री किलोमीटर नॉर्थ ऑफ क्यू आर है नॉर्थ ऑफ क्यू यहाँ से आएगा नॉर्थ हैं इस साइड कितने किलोमीटर हैं थ्री किलोमीटर थ्री किलोमीटर दैट मीन्स आर इज थ्री किलोमीटर नॉर्थ ऑफ क्यों मैंने आर पोजिशन यहाँ पर लिया इसके बाद है टी इज टेल्व किलोमीटर साउथ ऑफ आर आर से हमें कितना जाना है नीचे साउथ की तरह ट्वेल्व किलोमीटर जाना है यहाँ से ट्वेल्व किलोमीटर हमें जाना है साउथ की तरह ट्वेल्व किलोमीटर तो यहाँ पे हैं टी इज ट्व किलोमीटर साउथ ऑफ़ आर यहाँ पे है टी तो ये हमारे पास इतना क्वेश्चन होगा अब हमें देखना है इन विच डायरेक्शन टी फ्रॉम पी यानी कि हमें निकालना है टी फ्रॉम पी ये हमें निकालना है तो सिंपल है यहाँ से मैं एक ड्रा करूँ लाइन ये हमारे पास ट्रायंगल बनी अगर ये यहाँ पे इस ऐसे हम करें इसको यहाँ पे ऐसे ट्वेल्व में से थ्री निकालो वहाँ पे कितना बचा नाइन किलोमीटर ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से ये नाइन किलोमीटर है अब ये हमारे पास एक ट्रायंगल बने पाइथागोरस्थारम हमें यहाँ पे यूज़ करना है हमें पता है पाइथागोरस्थारम बे स्क्वायर दैट मीन सिक्स स्क्वायर प्लस इसके बाद परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज़ नाइन स्क्वायर यहाँ पे नाइन स्क्वायर कितना होगा थर्टी सिक्स प्लस एटी वन हमारे पास आया वन वन सेवन अभी हमें निकालना है डायरेक्शन भी निकालनी है ये हमारे पास टी फ्राम पी ये है हमारे पास डायरेक्शन दैट दिस डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है कौन सी डायरेक्शन है हमें पता है इस डायरेक्शन को हमें निकालना है यहाँ से मैंने एक डॉटेड लाइन डाली इस पॉइंट से इस पॉइंट से मैंने एक डॉटेड लाइन बनाई इस यह ईस्ट यह वेस्ट यह नॉर्थ यह साउथ ये आता है यह हमारे पास साउथ और वेस्ट में आती हैं ये डायरेक्शन ये डायरेक्शन साउथ और वेस्ट दैट मीनस साउथ वेस्ट हमारे पास ये आंसर फाइनल आंसर ये होगा इस क्वेश्चन में मैं फिर से आपको रिपीट करूँ इसमें हमें पहले फोकस करना है साइनस पे क्या करना है फोकस साइनस पे इसके बाद हमें रीड आउट करने हैं क्वेश्चनस क्वेश्चन को हमें डिकोड करना है जब हमने डिकोडिड किया है तो उसके बाद ये खुद ब खुद सालो हो जाएगा फिर एक सिंपल सी डायग्राम आती है तो फिर आंसर जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाएगा